आपको पता है कि वो कोर्ट में खुद कहेगा जज साहब से कि वो अपने पिता का खूनी है और वो अपने इस जुर्म के लिए अदालत से अपने लिए मौत की सजा मांगेगा। आप भी बताइए सावित्री बहन, जो अपराध पवित्र ने किया है उसके लिए युवराज अपने आप को फांसी पर चढ़ाना चाहता है। आप लोगों को ये बात बताने का क्या फायदा, आप थोड़ी ना समझेंगी ये बातें। खैर, कोई कुछ करे या ना करे, लेकिन मैं अपने युवराज को कुछ नहीं होने दूंगी और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपने बेटे को जेल से रिहा कर सकूं। आपको बताया ना मेनका बहन, इस घर की बेटियां युवराज से कितनी नफरत करती हैं। अगर उन्होंने ये सब कुछ देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ? अनर्थ तो तब होता ना सावित्री बहन, जब एक माँ अपने बेटे से मुंह फेर लेती। मैं अपने बेटे से मुंह नहीं फेर रही हूँ। औरत के कई रिश्ते होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रिश्ता एक माँ का अपने बेटे से होता है। अगर आपकी बेटियां युवराज की जगह जेल में होती और इसी तरह तड़प रही होती और उनकी हालत मौत से बदतर होती, तब आप क्या करती सावित्री बहन, क्या करती आप? अगर आपकी बेटियों को युवराज से नफरत करने का हक है, तो मुझे भी ये व्रत पूजा करने का और युवराज को जेल से छुड़ाने का सबसे बड़ा हक है। और हाँ सावित्री बहन, अगर आपने मुझे ये पूजा करने से रोका तो मैं अपनी जान दे दूंगी। घर नहीं जाना? बस वो थोड़ा सा काम है, दिव्यानी मैम ने दिया है ना, उसे पूरा करी थी। जरूरी है ना, आज ही देना है। अरे दिव्यानी मैम से याद आया कि उन्होंने तुम्हें बुलाया था। मैं बस अभी मिलकर आती हूँ। इम्पोर्टेंट काम था, आज ही देना था। अब देके बता। गई, अभी तो सब कुछ किया था मैंने। हे भगवान, लाल रंगा बस मुझे मैचिंग है ना। पता है माँ को भी ना गुलाब बहुत पसंद है। अरे निखिल, तुमने कभी अपने माँ बाबू जी के बारे में नहीं बताया, तुम्हारे परिवार के बारे में कभी कोई बात ही नहीं हुई। कब मिलवा रहे हो उनसे? या फिर तुम कहो तो हम लोग जाकर उनसे मिल लेंगे। हाँ निखिल। हाँ क्यों नहीं, मैं थोड़े दिनों में तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। एक गोला मुझे भी। गौरी मैम, तुम अभी तक घर नहीं गई? मैम वो आपने जो प्रोजेक्ट दिया था मैं उसे ही पूरा कर रही थी। एक मिनट। गौरी तुमने तो पूरा प्रोजेक्ट ही कंप्लीट कर लिया। वेरी गुड गौरी, इसी तरह से दिल लगाकर काम करती रहना। आकाश
I'll call you back. Yes, mom. यहाँ आना सर. देखो काफी लेट हो गई है गौरी आज घर जाने में. तुम ऐसा करो रास्ते में इसे घर पर ड्रॉप करते जाओ. मॉम पर आकाश प्लीज. इतना लेट गौरी अकेले घर नहीं जा सकती. ओके. वेल डन गौरी. थैंक यू मैम. गुड नाइट. गुड नाइट. चलो अब तो आप चलिए मैं बस अभी आती हूँ. और प्लीज जल्दी आना क्योंकि मुझे इंतजार करने की आदत नहीं है. मैडम तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूं मैं. आ गया घर बैठो. ये एफएम वाले भी ना पता नहीं क्या क्या बजाते हैं. सो रहने दीजिए ना. अच्छा है. यस विल यू ड्रॉप मी. या श्योर कम इन. तुम पीछे जाकर बैठो. जी. अब तक आपसे किसी ने कहा नहीं क्या? यू आर वेरी गॉर्जियस. कईयों ने कहा पर इस अंदाज से नहीं कहा. रियली? एक्सक्यूज मी सर, मेरा घर यही पास में है. आप मुझे यही ड्रॉप कर दीजिए. मैं चली जाऊंगी. Are you sure? जी सर. थैंक यू सर. हर छठवां आज मैं आपके सामने आपका व्रत करने के लिए बैठी हूँ. ये व्रत मैं अपने बेटे के लिए रख रही हूँ जो जेल में नर्क की जिंदगी जी रहा है. और मैं यहाँ से तब तक नहीं उठूंगी जब तक मुझे मेरे बेटे के अच्छे होने की खबर नहीं मिल जाती. We'll be right back.
सावित्री। ये मेनका क्या कर रही है? अगर बच्चियों को पता चला कि मेनका युवराज के लिए ये व्रत कर रही है तो न जाने क्या होगा। बच्चियों के लिए युवराज अब भाई नहीं, उनके बाप का कातिल है। कातिल, मुझे किसी तरह मेनका को रोकना होगा। घबरामत गौरी घबरामत, बाजार पास में ही है, कुछ नहीं होगा। बस खाली भगवान का नाम लेते ओम भूर्भुवस्वः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो दिवासि धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बेटा इतने इतनी रात को तू अकेले आओ, मैं तुझे घर छोड़ दूँ। मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। बेटा मैं तो तेरे भले के लिए बोल रहा था। इतने मेरा भगवान जानता है कि मेरे मन में तुम लोगों के लिए कितना मान कितना सम्मान है। मैं कितनी परवाह करता हूँ तुम लोगों की। परवाह? हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप हमारी कितनी परवाह करते हैं। इतने ये भी बोली है? सारी गोले खा गई। अरे गौरी तुम यहाँ कैसे? वो मैं ऑफिस से आ रही हूँ, मेरे बॉस ने मुझे अभी भी ड्रॉप किया। क्या बात है दीदी, यहाँ तक ड्रॉप किया आपके बॉस ने, वो भी कार में? वैसे गौरी दीदी आपके बॉस दिखने में कैसे हैं? हैंडसम तो है ना, या फिर खड़ूस है? चांदी वो सिर्फ मेरे बॉस है और कुछ नहीं। सिर्फ बॉस है या फिर आपका बॉस है? दीदी बस करो, अब मत सताओ उसे। अच्छा आप घर चलें? चलो। सावित्री तुमने मुझे तो रोक दिया, पर क्या तुम्हारी बेटियां तुम्हारा कहना मानेंगी? वो मेनका इस घर में उस इंसान के लिए पूजा कर रही है जिसने इसी घर के मालिक को मार दिया। अगर मेनका अपने बेटे को नहीं भूली तो याद रख, मेरी पोतियों के दिल में भी उनका बाप अभी जिंदा है। बच्चियां किसी भी वक्त आती होंगी, उनके आने से पहले हमें इसे रोकना चाहिए। गौरी अब जब तुम कहोगे तभी हम पिकनिक चलेंगे, ठीक है? माँ बा हम लोग फिल्म देखकर आ गए। तुम लोग थक गए होंगे, जाओ। ये छोटी माँ कौन सी पूजा कर रही है?
हर छत व्रत। बा, आप लोग चुप क्यों है? आपने छोटी माँ को रोका नहीं? माँ, आप जानती है ना कि छोटी माँ ये व्रत क्यों कर रही है? वो युवराज की सलामती के लिए ये पूजा कर रही है। छोटी माँ को अभी भी लगता है कि युवराज निर्दोष है, और आप दोनों चुपचाप खड़े होकर ये सब देख रही हैं। माँ, आपने कुछ कहा क्यों नहीं? यहाँ ये पूजा नहीं होगी। ऐसे कैसे कर सकती हैं? अब युवराज के लिए पूजा कैसे कर सकती हैं? जिसने इस घर को बर्बाद किया, उसकी खुशी के लिए पूजा कैसे कर सकती है? माँ, क्यों क्यों कर रही है आप ऐसा? क्यों कर रही है? इतना सब कुछ होने के बाद भी आपके दिल में युवराज के लिए इतने जगह क्यों है? माँ, क्यों? उसने आपके पति को छीन लिया आपसे, उसने मार दिया आपका सुहाग, छीन लिया, फिर भी क्यों? मैं ये पूजा नहीं होने दूंगी, इस घर में ये पूजा नहीं होगी। निभाने का पूरा अधिकार है ना? अगर तुम में से कोई भी मेरे साथ विश्वासघात करता तो भी मैं तुम्हें माफ कर देती, क्योंकि मैं एक माँ हूं। तुमने सिर्फ मेनका बेन का अपमान नहीं किया है जानवी, एक माँ की ममता का अपमान किया है। बड़ी माँ आप, बस जानवी, बस, और कुछ नहीं सुनना है मुझे। और तुम लोग भी कान खोलकर एक बात सुन लो, मेनका बेन का व्रत पूरा करने में अब मैं उनकी मदद करूंगी। युवराज को जेल से छुड़ाने में भी मैं उनकी मदद करूंगी। तुम लोग मेरा साथ दो या ना दो, मैं युवराज को जेल से छुड़ाकर ले आऊंगी।